रानी जी के साथ काम करने का तजुर्बा बड़ा अच्छा रहा, एक अच्छे निर्देशक हैं, एक अच्छी फिल्म बनाई है इन्होंने। आशुतोष सिंह जी एक नए निर्माता हैं, लेकिन दिल खोल के पैसा खर्चा किया इन्होंने, कहीं पे भी किसी भी चीज़ में कोई कंजूसी नहीं की। अगर 500 का क्राउड दिखाना था तो 500 क्राउड दिखाया उन्होंने, अगर सीन में 20 गाड़ियाँ छेद तो 20 गाड़ियाँ डायरेक्टर भी उपलब्ध कराई। तो डायरेक्टर ने अपना काम ईमानदारी से किया, प्रोड्यूसर ने अपना पैसा ईमानदारी से खर्चा किया, और मुझे जो एक्टिंग आती है वो मैंने डायरेक्टर के अनुसार कर दिया होता है। तो आज आज़ादी का मतलब इंडिपेंडेंस डे भी है, रक्षाबंधन भी है, तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से सेलिब्रेट किया और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण आपके लिए? मैं बस रक्षाबंधन पे समस्त देशवासियों से एक चीज़ कहना चाहूँगा जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ, नारी सम्मान मैंने हमेशा से किया है, क्योंकि हमारे घर में बहन भी है, माँ भी है, नारी का ही रूप है बेटी है। जिस तरीके से हम रक्षाबंधन के दिन अपनी बहनों को लेकर के उत्सुक रहते हैं कि आज हमारी बहन का दिन है और हम जान छिड़कते हैं, वैसे ही हर देशवासियों से एक निवेदन है कि आप हर नारी का उसी नज़रिए से सम्मान करें जिस नज़रिए से आप अपनी बहन का सम्मान करते हैं। जिस दिन ये आपके नज़र में ये सम्मान औरतों के प्रति आ जाएगा, उस दिन कोई औरत जलील नहीं होगी, चाहे वो समाज की हो चाहे आपके घर की हो। तो ये रक्षाबंधन के लिए एक छोटा सा आग्रह है, मेरा निवेदन है लोगों से। और 15 अगस्त आज स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस की सारे हिंदुस्तानियों को बहुत 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 शुभकामनाएँ, खास करके शम्स दुर्रानी जी को और आशुतोष जी को, कि आज इनको शम्स जी की भी पहली फिल्म है ये भोजपुरी में, और चूँकि ये तो निर्माता ही नए हैं भोजपुरी में, तो इन दोनों लोगों ने जो एक नई शुरुआत की है, एक नया पहल किया है, इसमें लोगों को बहुत कामयाबी दे, ऊपर वाला बस यही गुजारिश है। सर जी आपसे जानना चाहूँगा, जैसा ये सर ने कहा कि पहले फिल्म में तो कितने उत्साहित थे और क्या आपको प्रेरित किया इस फिल्म को निर्देशन करने के लिए? कहानी अच्छी है इसकी, कहानी अच्छी है, जिसकी कहानी सुन के मैं कहानी पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तो कहानी मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने ये फिल्म की, और मुझे काम करके फिल्म थोड़ा मेंटली और हार्डली बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ इसका, क्योंकि मुझे जितने भी एक्टर मिले वो बहुत सपोर्टर हैं मुझे, लोग गलत फहमी में जीते हैं, लोग गलत फहमी में फैला दिए थे मुझे कि ये ऐसे एक्टर होते हैं भोजपुरी के, लेकिन वैसा मुझे कुछ मिला नहीं, सभी बहुत मिलनसार थे, सभी ने जो जो मैंने कहा सबने सपोर्ट किया,
मुझे काम करने में भी अच्छा लगा और मैं रिजल्ट भी देना दिया हूँ अच्छा, अभी कोशिश कर किया हूँ अच्छा रिजल्ट का, आप लोग प्रोमो देखिएगा तो पता चल जाएगा कि कैसा रिजल्ट आया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा एक पहली भोजपुरी फिल्म करके, और जैसे यश जी हैं मुझे बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा इनका सब बिहेवियर वाइज सब। और शूटिंग के दौरान थोड़ा सा डायरेक्टर एक्टर में थोड़ा सा तो होता ही है, वो थोड़ा सा सीन उनके लेके, लेकिन वो माइनर बात है, उसको ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन बहुत प्यारे हैं, मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे, और ऐसे एक्टर मुझे मिले जो अच्छा काम भी किया इन्होंने और सपोर्ट भी किया, इनके लिए इनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूँ। और प्रोड्यूसर साहब को बहुत बहुत मैं शुक्रिया करता हूँ क्योंकि जिन्होंने मुझे चांस दिया भोजपुरी फिल्म में काम करने का, और अच्छा सपोर्ट दिया इन्होंने, मॉरली सपोर्ट दिया, फिनंशियली सपोर्ट दिया, लोकेशन मुझे हर चीज़ अच्छा मिला, तो मैंने अच्छा करने की कोशिश की, और शायद मेरे हिसाब से आप देखेंगे तो अच्छा। ये भी जानना चाहूँगा कि टाइटल जो है रानी चटर्जी जी मतलब नज़र आ रही है, क्या नारी प्रधानी फिल्म है कि? हाँ, नारी सशक्तिकरण पर ये फिल्म है, नारी सशक्तिकरण, और इसमें रानी चटर्जी का और यश जी का और अंजना जी का तीनों एक ऐसे करेक्टर है कि तीनकोणी है, तीनकोणीय है ये सब्जेक्ट, ये तीनों के बीच में कहानी पूरी घूमती है और अच्छा है, तीनों ने मिलकर इस कहानी को जो बिल्टअप दिया और मैंने जो कोशिश किया अच्छा लगेगा आपको देखने, और कहानी बहुत अच्छी है आप लोग देखेंगे। सर जैसा निर्देशक साहब ने और यश जी दोनों ने तारीफ की, क्या कहना चाहेंगे कि काफ़ी अच्छे से मतलब जितना आपसे संभव था आपने फिल्म में खर्च बजट लगाया, तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या प्रेरित किया आपको निर्माण करने के इस फिल्म का? एक्चुअली लोगों ने जितने भी इसमें हमारे यश जी हुए डायरेक्टर साहब हुआ और भी इसमें जितने भी जैसे अंजना जी हुई थोड़ा लाउडली बोलिए, और भी छोटे मोटे जितने भी कलाकार और जितने भी छोटे छोटे वर्कर लोग सब लोगों ने दिल खोल कर इसमें काम किया, हमको तो पहले ही सब आइडिया नहीं था, लेकिन एक्चुअली हम लोग कुछ राजनीति से जुड़े हुए हैं, हम लोग के मन में एक थोड़ा सा भावना रहता है कुछ सामाजिक कार्य करने का, इसी बीच में हमको ये कहानी मिला, तो हमने देखा कि इसमें नारी प्रधान कहानी है, हमने मन बनाया कि इस पिक्चर को हम लोग बनाएँ, और कुछ हमारे मित्र साथी के सहयोग से मैंने इस पिक्चर को बनाया, और इसमें हमको बहुत अच्छा लगा, सब लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, और ये पूरी पिक्चर में अपने रोहतास जिले के अपने गाँव हथनी में टोटल कलाकार को मैंने रखकर काम किया, और सब लोगों ने बहुत दिल खोल कर काम किया, जो हमारे गांव के और भी जितने लोग थे, जो प्यार इन लोगों ने दिया, आज भी सब लोग बोलते हैं कि फिर पिक्चर एक बनाइए ताकि फिर मौका मिले हम लोग चलने का, तो ये बहुत अच्छा लगता है हमको। और इस पिक्चर में सबसे बड़ी चीज़ है ये नारी प्रधान पिक्चर है, और इस पिक्चर में हमारा मेन संदेश एक शुरू से रहा है, ये जो नारी सशक्तिकरण का आजकल बहुत से जितने भी पॉलिटिकल या पार्टी हैं सब लोग नारी सशक्तिकरण पर बहुत अपना प्रचार प्रसार या काम करता है, तो हमने सोचा क्यों नहीं इस पिक्चर बनाकर एक अलग संदेश दें, और मैंने इसमें मेहनत किया और सब लोग का पूरा सहयोग मिला। जैसा मतलब बजट की बात होती है तो भोजपुरी फिल्मों में बहुत मिनिमम बजट होता है, आप एक ज़्यादा बजट कर रहे हैं, क्या लोगों को ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाए तो फिल्म अच्छी बन सकती है, ज़्यादा बजट ऐसा हो तो? नहीं, ज़्यादा खर्च बने क्योंकि हम लोगों ने कोई होटल का यूज नहीं किया, हम लोगों ने पूरी गांव में छोटे छोटे गांव के लोग साधारण प्रवृत्ति से जो रहते हैं उस घर में सब लोगों ने बढ़िया काम किया, और कम खर्च में हमने इस पिक्चर को बनाया, कोई ज़्यादा हमारा बजट नहीं है क्योंकि हमारा कोई भाड़ा उतना नहीं लगा, कोई होटल नहीं लगा, ये सब चीज़ें और लोगों का जो सपोर्ट था, लोकल जितने भी मित्र साथी थे सब लोगों ने फ्री में अपना गाड़ी दिया, फ्री में अपने ही किया, तो एक तरह से सपोर्ट किया सब लोग, और पिक्चर है तो खर्च तो होगा ही, खर्चा तो पिक्चर में आप लोग समझिए रहे हैं। ये तो आशुतोष जी का बड़प्पन है कि अपने खर्चे को बता नहीं रहे हैं, इस फिल्म का आप ट्रेलर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना खर्चा हुआ है, और मुंबई से इतने दिग्गज कलाकारों को लेके लाना, रानी चटर्जी, अंजना सिंह, सुशील सिंह, यश कुमार, ग्लोरी मोहंता, ऑलमोस्ट सारे लोग बॉम्बे से गए हैं, सब लोगों ने एक मेहनत करके एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की, और सबसे सब सरप्राइज पैकेज जो है आशुतोष जी पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, और फिल्म में गृह मंत्री का रोल इन्होंने खुद निभाया है, इनकी जब एंट्री देखेंगे तो आपको लगेगा कि साउथ का कोई बहुत बड़ा एंट्री कर रहा है, 20 गाड़ियों के साथ खुद से इनकी एंट्री हुई है, तो आप देख रहे हैं पर्दे पर भी हैं आशुतोष जी।
मुझे लगता है कि सासाराम में कम से कम तो रियल और रियल लाइफ जुड़ जाएगा फिर, मतलब हाँ ज़्यादा असर छोड़ेगा वो पढ़ते। हाँ मतलब हम लोग सरप्राइज थे जब ये डायरेक्टर ने एक्शन बोला और जैसे ही उन्होंने डायलॉग बोलना शुरू किया, मुझे खुद से नहीं उम्मीद थी कि आशुतोष जी इतना अच्छा एक्टिंग करेंगे। तो ईमानदार बने कि भ्रष्ट बने, क्या बने इसमें, मतलब क्या है? ईमानदार, ईमानदार का गुण क्या? वैसे आदमी ही ईमानदार हैं ये। सासाराम में आप जाएंगे तो आशुतोष जी की ईमानदारी की चर्चा आपको सुनने को मिलेगा, जिस ईमानदारी से इन्होंने फिल्म बनाई है। फिल्म अच्छी बनी है, खूबसूरत फिल्म है, मज़ा आएगा लोगों को देख के। थैंक यू, थैंक यू। भोजपुरी इंडस्ट्री का माहौल है हाल फिलहाल में, आपने सुना होगा कि अक्षरा जी और पवन जी का जो वाद विवाद चल रहा है वो कितनी गलत बात आपको लगती है? क्योंकि जब एक आदमी, एक सक्सेसफुल आदमी हो जाता है, कामयाब हो जाता है, लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, वो अगर कोई ऐसी ओछी हरकत करे तो कितनी गलत बात है? देखिए, अक्षरा सिंह ने जो, मैं सोशल मीडिया से ही जो सारी चीज़ें जानकारी मिलती हैं, अक्षरा सिंह जो आरोप लगा रही हैं पवन जी पर, अगर वो सच है तो शायद पवन जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर ज़्यादा बोलना मेरे लिए इसलिए सही नहीं होगा कि मैं अक्षरा सिंह के भी मैटर को नहीं जानता हूँ कि अक्षरा सिंह जो आरोप लगा रही हैं वो सही है कि नहीं, पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के साथ क्या किया। जब दोनों के मैटर को आप जानेंगे तब आप मीडिया में कोई भी बयान दे सकते हैं। अभी मैं मीडिया में बयान दे दूँ कि यहाँ पर पवन सिंह गलत है, यहाँ पर अक्षरा सिंह गलत है, तो शायद मेरे लिए ज़्यादा होगा ये बोलना, क्योंकि मैंने दोनों के मैटर को जाना नहीं। हम दोनों, पवन जी के साथ मैंने दो फिल्में की, एक सपेरा किया था मैंने, फिर लुटेरे किया, तो यही दो बार जो भी हमारी दो चार बार मुलाकात हुई हो, या फिर कहीं हम लोग स्टेज शो वगैरह में मिल जाते हैं, कहीं अवार्ड शो में मिल जाते हैं, तो पर्सनली मैं पवन सिंह को नहीं जानता, ना ही मैंने अक्षरा सिंह के साथ कभी कुछ काम किया है कि मैं पर्सनली अक्षरा सिंह को जानूं। जितना मैं पवन सिंह से मिला हूं उतना ही अक्षरा सिंह से मिला हूं, यानी कि कभी स्टेज शो में, कभी अवार्ड फंक्शन में, कभी ऐसे वैसे। तो जब तक हम किसी के बारे में, हमको सही जानकारी नहीं है, तब तक उस मैटर के ऊपर टिप्पणी करना मुझे लगता है कि गलत है। तो मैं दोनों के बारे में कुछ नहीं जानता हूं तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। फिर भी मतलब जब वाद विवाद की बात आती है, मतलब आप भी इतने दिन से जुड़े हैं किसी भी विषय को लेकर, तो उसका एक, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि यश कुमार के जीवन में मैंने कभी किसी लड़की को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। और मैं समाज के हर इंसान से कहना चाहूँगा, कोई भी हो, चाहे वो कोई स्टार हो, चाहे वो कोई नॉर्मल इंसान हो, कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग हों, फिल्म लाइन के लोग हों, गाँव से जुड़े लोग हों, जब भी आप किसी लड़की को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या उसके खिलाफ चाल चलने की कोशिश करते हैं, एक बार अपनी बहन को याद कर लें, एक बार अपनी माँ को याद कर लें, एक बार अपनी बेटी को याद कर लें, खुद ब खुद आपके कदम रुक जाएंगे। क्योंकि एक बेटी कल को आपकी बहन बनती है, कल को आपकी माँ बनती है, कल को आपकी बीवी बनती है, मतलब सृष्टि की रचयिता एक बेटी ही है। और बेटियों से भी एक अनुरोध है कि आप लोग कभी भी, हम लोगों को एक दायरे में रहना चाहिए, बेटियां हमेशा दायरे में रहें, ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप दायरे से बाहर ना जाएं, क्योंकि आप अपने परिवार का सम्मान है, आप एक भाई का सम्मान है, एक पिता का सम्मान है, एक पति का सम्मान है, एक बच्चे का सम्मान है। तो दोनों एक समाज के अभिन्न अंग हैं, पुरुष और स्त्री, दोनों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और दायरे में दोनों इंसान को रहना चाहिए। दायरे से बाहर कुछ भी होता है तो सर वो अनिष्ट हो जाता है वहाँ पे, तो दायरे में रहकर के अगर रिश्ते को बड़े प्यार से निभाएं। और एक चीज़, आपका अगर कहीं नहीं जमता है, जैसे मेरा अगर किसी के साथ नहीं जमता है, तो मैं उस रिलेशन को बिगाड़ना नहीं चाहिए, मुझे नहीं जमता है, ठीक है भैया, आप अपने रास्ते में, अपने रास्ते, मेरा अपना दुनिया, आपकी अपनी दुनिया, जब तक हम मोहब्बत में रहें बहुत प्यार से रहिए, और नहीं जमता है तो उसी प्यार से अलग हो जाइए जिस प्यार से आप एक साथ मोहब्बत में। थैंक यू, थैंक्स सर। वो करते हैं पहले फाइट मास्टर है ये। नमस्कार, मेरा दिलीप यादव, फाइट मास्टर नाम मेरा, और पिक्चर बहुत अच्छी बनी है, और शहर में देखिए, हाँ सेंटर में देखना, बीच में देखिए, ठीक चलिए बोलिए। हाँ नमस्कार, मेरा दिलीप यादव, फाइट मास्टर यादव नाम मेरा, और शाम जी मिले थे मेरे को और बोले थे कि छुटकी ठकुराइन का स्टोरी पिक्चर है, मास्टर जी करनी है, तो हम लोग बैठ के फिर देखे, स्टोरी बहुत अच्छी लगी मेरे को और पिक्चर बहुत अच्छी बनी हुई है। अच्छा, तो एक्शन की बात करें तो एक्शन बहुत ही मायने रखता है फिल्मों में खासकर, और तो यश जी का बताइए कि कितना ज़्यादा, यश जी तो मैं तारीफ करने से क्या तारीफ करूँ, बहुत अच्छे अच्छा एक्टर है और एक्शन भी अच्छा करते हैं। अच्छा, हाँ इसमें बहुत अच्छा होगा फाइट, जबरदस्त काम होगा। तो कितना ज़्यादा स्टैंडर्ड बढ़ा है, मतलब फाइट सीक्वेंस और अभी कितना तारीफ करो, तारीफ को तो देख के आप लोगों को मालूम पड़ेगा पिक्चर कैसी बनी है। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूँगा, परिचय दीजिए, बताइए कैसे जुड़े हैं इस प्रोजेक्ट से आप। दर्शकों को जीतेंद्र सुमन का नमस्कार, मैं पटकथा संवाद लेखक, मैंने छुटकी ठकुराइन के संवाद और पटकथा लिखे हैं, और मैं इतना ही कहूँगा, जैसे इन दिनों आप सब जानते होंगे भोजपुरी फिल्मों के अश्लीलता और अश्लीलता की का बहुत झगड़ा चल रहा है, बहुत हर तरफ शोर है कि भोजपुरी फिल्म बहुत अश्लील बन रही हैं और गाने बहुत अश्लील हो रहे हैं,
इन पे अंकुश लगनी चाहिए, सरकार को भी आगे आना चाहिए। छोटकी ठकुराइन अश्लीलता से बहुत दूर है और एक स्वस्थ मनोरंजक और समस्या को कैसे समाधान, समस्या का समाधान कैसे हो, इस दृष्टि से इस फिल्म को बनाई गई है। और यही संदेश इस फिल्म से आपको मिलेगा कि यदि अत्याचार को मिटाना है तो अगर हम घर से शुरू करें, खुद से शुरू करें तो ही बात बनती है। जैसे लोग कहते हैं पहले घर में दीपक जलाओ फिर मंदिर में जलाओ, तो वही वाली बात यहाँ है कि आज समाज में भ्रष्टाचार बहुत अधिक है, अत्याचार बहुत अधिक है, सभी परेशान हैं, सारे आम जन परेशान हैं, नेताओं के विरुद्ध बोलते हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने आप में बोल के रह जाते हैं, ड्राइंग रूम में बोल के रह जाते हैं। तो अगर हम घर से शुरू करें, अगर घर में हमारा ही भाई, हमारा ही पिता, हमारा ही भतीजा अगर कोई बहुत कुख्यात कुकर्म करता है, अपराधी है, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, न कि हमें उसके फेवर में खड़े होकर के दूसरे को गलत साबित करना चाहिए। तो ये इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि एक पत्नी किस तरह अपने अत्याचारी पति के खिलाफ खड़ी होती है और लोगों के फेवर में खड़ी होके और उन्हें उस अत्याचार से मुक्त कराती है और लास्टली सभी हैप्पीली रहते हैं। ये है, हालांकि इसमें थोड़ा राजनीति को भी आप हमने मिलाने की कोशिश की है, एक स्वस्थ राजनीति कैसे की जाती है इसका भी उदाहरण मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये दर्शकों का जब ये रिलीज होगी फिल्म तो एक स्वस्थ मनोरंजन भी देखिए और एक दिशा भी मिलेगी। चलिए।